द्रौपदी मुर्मू, संघर्षों से भरी रही जिंदगी, परिवार में एक के बाद एक मौत, लेकिन नहीं मानी हार। द्रौपदी मुर्मू बायोग्राफी और फैमिली हिस्ट्री इन हिंदी। आज राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों की गिनती शुरू हो गई है, जिसमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लोगों का कहना है कि मुर्मू यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े फर्क से शिकस्त देंगी, इसीलिए भाजपा ने भी लगभग जीत के जश्न की तैयारी भी कर ली है। इसके अलावा मुर्मू के गांव में भी जोरदार जश्न की तैयारी की जा रही है, मिठाइयां भी बनने लगी हैं। तो इस मौके पर हम द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। कच्ची दीवारें और फूस का छप्पर, ये तो आम सी बात है कि कोई भी शख्स इतने बड़े पद पर यूं ही नहीं पहुंच जाता। उसने जिंदगी में कई ऐसा मकाम का सामना किया होता है जिनके बारे वही शख्स अगर पीछे मुड़कर देखे तो शायद उसी की रूह कांप जाए। कुछ इसी तरह की परेशानियों सामना करने के बाद मुर्मू भी यहां तक पहुंची हैं। एक खबर के मुताबिक जिस समय द्रौपदी मुर्मू शादी करके ससुराल पहुंची थी तो उस वक्त उनका घर भी कच्चा था, कच्ची दीवारें और फूस का छप्पर था। 4 साल में 3 लोगों की हुई मौत। द्रौपदी मुर्मू ने अपनों को बहुत करीब से बिछड़ते देखा है। दैनिक भास्कर की एक खबर मुताबिक साल 2010 से 2014 तक उनके घर से 3 अर्थियां उठी थी। इन 4 सालों के भीतर उनके 2 बेटे और पति की मौत हुई है। बड़े बेटे की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। पता नहीं किस तरह उनके बड़े बेटे की मौत हुई है। बताया जाता है कि उसकी लाश कमरे से मिली थी और वो एक शाम को देर से घर वापस लौटे थे। बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी मौत महज 25 बरस की उम्र में हुई थी। वहीं छोटे बेटे बिरलची मुर्मू की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उस वक्त बिरलची की उम्र 28 साल थी। वहीं 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति भी उनका हमेशा के लिए साथ छोड़कर चले गए। 3 साल की बेटी की हो गई थी मौत। वहीं अगर उनके पहले दुख की बात करें तो सबसे पहले दुख उन्हें अपनी शादी कुछ दिन बाद ही मिल गया था, क्योंकि उनकी पहली औलाद भी उन्हें 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। यह घटना साल 1984 की है। मुर्मू की पहली संतान एक बेटी थी। जिंदगी में तमाम दुखों का सामने करने के बावजूद मुर्मू ने हार नहीं मानी। हालांकि वो इस दौरान डिप्रेशन तक का शिकार रही थी, लेकिन उनके फौलादी हौसलों को कोई भी नहीं हिला सका।